वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि सम प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। ओम जयकारा बाबा हरीशाह जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान हमारे कथावाचक जी को भी प्रणाम। जैसे कि आप सभी को पता है आज हमने प्रथम दिवस की श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण किया और इस पावनी कथा का श्रवण हमें पावन बनाता है, निर्मल बनाता है और गौ सेवा करने योग्य भी बनाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं ये कथाएं गौ सेवा के लिए ही बाबा जी करवा रहे हैं और यह दृढ़ संकल्प हमारे गुरु जी ने लिया है। मैं गौ माता की कृपा का तथा गौ माता की महिमा में एक श्लोक गाना चाहता हूँ। गावः स्वर्गस्य सोपानम् गावः स्वर्गे पूजितः गावः करं स्मृतं निञ्चित् नान्यत् किञ्चित् परं स्मृतम्। अर्थात जो गौ माता है वह स्वर्ग में देवों के द्वारा पूजी जाती है, देव भी गौ माता को पूजते हैं और गौ माता देवों का पोषण करती है। गौ माता स्वर्ग की सीढ़ी है और गौ माता की कृपा से ही यह चराचर जगत चल रहा है। गौ माँ ने अपने सींगों पर ये पृथ्वी धारी है। ओम जयकारा बाबा हरीशाह जी दा बोलिए सच्चे दरबार की जय।